लाइक के सारे प्लेयर को यहां पे रिवाइव दिया जाएगा। नियो ने पूरी टीम को मैच से बाहर कर देंगे एक, और इस मैच में देखते हैं टीम गॉडलाइक एक का अलग रवैये के साथ इस मैच में अपने आप को रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो कमबैक की बारी रहती है वो तो आने वाले टाइम में ये कर लेंगे। लेकिन जोनाथन के सर पे ये ग्रेनेड गया, जोनाथन को फिलहाल यहाँ पे नॉकआउट किया गया। माइक रोजी के साथ यहाँ पे क्लच गॉड को टेक आउट कर दिया। रिलोड की बारी रहेगी सामने न्यू एंड न्यू की तरफ स्प्रे, लेकिन अच्छा फ्री फायर, अच्छा कंट्रोल, नॉक आउट किल को करने में कामयाब हो गए, वरना टीम गॉडलाइक के लिए यहाँ पे मुश्किलें पड़ती चली जा रही थी। मेरे को जल्द से जल्द उनकी तरफ दौड़ लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि टीम गॉडलाइक यहां से अगर कम बैक कर लिए तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी कर देंगे। बैक से यहां पे बात करें तो जी गॉड आ रहे हैं, जी गॉड यहां पे शॉट्स लेने की कोशिश, डैमेज काफी अच्छा यहां पे देखने को मिला अननोन को डाउन, लेकिन बैक एंड साइड से जी गॉड को भी केयर टेक डाउन करने में कामयाब हो चुका। आखिर प्लेयर आ रहे थे लेकिन टीम एक्स को मार किया गया। टीम गॉड लाइक के सारे प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव दिया जाएगा। नियो ने पूरी टीम गॉड लाइक के जोनाथन भी अपने आप को सर्कल के अच्छे से मिले के जाना चाहेंगे। इसकी बात करें तो तीन प्लेयर इनके पास भी है, तीन प्लेयर की बात की जाए तो यहाँ पे सर्वाइव करने की पूरी कोशिश में यहाँ पे लगे हैं। बट अब देखने वाली बात रहेगी, सर्कल देखिए काफी अच्छा एक साइड सर्कल देखने को मिल रहा है। न्यू की तरफ से ग्रेनेड, तीन फिनिशर उन्होंने स्टार्टिंग पे ही अपने एंड पे निकाला, 1v3 काफी उमदा तरीके से उस पॉइंट पे अपने लिए निकाला। लेकिन अब यहाँ पे बात की जाए तो एलियस की तरफ स्टार्टिंग में जोनाथन की तरफ से बात करें तो गॉडविन को डाउन किया गया, मैच से बाहर भी करने की कोशिश की जा रही। गॉड एलियस के स्काउट लव को भी शायद यहाँ पे मुश्किल में डाला जा सकता है, बट इस बीच क्लच गॉड को डाउन किया गया है। देखो मुकाबला टक्कर का था, आठ फिनिशर निकाल चुके हैं और क्या, और एक और नॉक वहां पे निकला। कवर फायर देखिए कितना ऑड पॉइंट यहाँ पे रहा, एक पिक्सल दिए उसमें यहाँ पे उनको उनके जब पीछे इस तरीके के कवर रहे तो आप बेफिकर होके आगे जाते हैं, और वही यहाँ पे जोनाथन ने अपने एंड से किया, बेफिकर गए, फिनिशेस निकाल रहे, 10 फिनिशेस निकाल चुके हैं, अभी भी चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। जूसी का सफर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, पूरे चांस रहेंगे ब्लास्ट होने के, उनकी व्हीकल ब्लास्ट हो सकती थी लेकिन सही सलामत आगे, लेकिन नॉक आउट कर दिया जाएगा वापस से पिक्सल दे बैठे। यहाँ पे नॉक तो किया ही गया, साथ ही साथ फिनिश ऑफ भी कर देते हैं जोनाथन एक सेकंड में ही। अभी बात की जाए कुछ सेकंड में ये चीजें फिलहाल होती हुई हम लोग को देखने को मिली। ग्रेनेड का स्पैमिंग फिलहाल चलता हुआ, हर तरफ ग्रेनेड परेड यहाँ पे चल रहा है, और एक भी ग्रेनेड यहाँ पे ऑन पॉइंट साबित हुआ तो टीम गॉड लाइक यहाँ पे रुकेंगे नहीं, सीधा अपने आप को आगे लेके जाएंगे और टीम्स को मुश्किल में डालेंगे। लेकिन 8-bit देखिए मुझे नहीं पता वहां पर, जब उनको उस खिलाड़ी को पता है कि स्प्रे जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं आप उसी तरफ ही आप जा रहे हैं, आपको रिच का एडवांटेज उठाना चाहिए था जिस तरह से युवा और जैसी उठाते हुए नजर आते, बट अभी के लिए उनको भी ऊपर उठना पड़ेगा। अच्छा बॉय यानी अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे नियो की बात करें, वो क्लच के बाद जिस तरह से टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है ना, आप देख लें वहां के वो 4 kill और यहाँ पर वो 11 kill की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी उनको पता है काम खत्म नहीं है, टीम गॉडलाइक को पता है अभी यहाँ पर उनका वर्क खत्म नहीं है, उनको अभी और भी ज्यादा फिनिश चाहिए अगर एक बढ़िया उछाल चाहिए इस वाली ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। लेस पॉइंट और क्या वो कर पाएंगे नहीं, अभी के लिए उनका जो गोल है वो मिनिमम 20 finish का है यहाँ पर, और चांसेस है उनके पास 21 खिलाड़ी, देखिए 20 खिलाड़ी अभी भी यहाँ पर जीवित है जिसमें से अगर देखा जाए आउट ऑफ 16 उनके टीममेट्स को हटा रहे हैं यहाँ पर, आउट ऑफ 16 यहाँ पर उनको 9 finish यहाँ पर निकालने पड़ेंगे अगर उस 20 का आंकड़े को टच करना है, और साथ साथ चिकन डिनर की भी दरकार रहेगी उनको। यहाँ पे देखिए चिकन डिनर को यहाँ पे सारी टीम्स को दरकार है, बट इस मैच में जिस तरीके से यहाँ पे बाकी टीम्स चल रहे हैं, एक्सो वर्सेस टीम गॉडलाइक, ये बैटल मैं देखना चाहता हूँ, ये बैटल हमारी जनता भी देखना चाहती है, ये बैटल गेम जो भी देखना चाहते हैं, क्या ये दोनों टीम एक दूसरे को चैलेंज करेंगे आखिर के कुछ समय में, वो देखने वाली बात है। बट पंको पहले स्पॉट करते सेंसे उस पॉइंट में, फिलहाल यहाँ पे नॉक देखने को फ्रंट साइड, अगर हम नजर डालते ट्रू रिपर्स के एक्सप्रेस सेट पे नॉक आउट कर दिए गए। मौका थोड़ा सा यहाँ पे जरूर से टफ होता हुआ, जल्द से जल्द रिवाइवल चीजों पे फोकस करें, उसके बाद ही आप 44 के एक्शन पे आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट पे डिले किए तो दिक्कतें होगी। मॉर्टल की बात करें आगे आने की कोशिश, क्लच गॉड के पास M249 पूरी एमो का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन वो विंडो का जो स्पेस था बहुत लिमिटेड था, जिसके कारण क्लच गॉड को अपने एडीएस को एडजस्ट करने का ज्यादा मौका मिला नहीं। 5 टीमों के बीच में बैटल यहाँ पे अब बच सा गया है, क्योंकि वेस्ट आप देखिए क्लच गॉड की काफी ज्यादा डैमेज है, जिसके कारण क्लोज फाइट में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल बेशक वो लेवल 3 का वेस्ट है, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा अगर लेवल 2 का वेस्ट उनको मिल जाएगा तो तुरंत ही चेंज कर लीजिए, क्योंकि तो कुछ ही बुलेट्स खाते ही डैमेज खाते ही उनका यहाँ पर नॉकआउट हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए टीम एक्सो के ऊपर प्रेशर बिल्ड करती हुई एक के बाद एक बेहतरीन टीम्स को एलिमिनेट करने के लिए अभी के लिए अगर सर यहाँ पर टीम गॉट लाइक, क्योंकि इससे पहले टीम एक्सपार्क देन उसके बाद एलियस देन उसके बाद 8-bit को भी कहीं ना कहीं उन्होंने डैमेज प्रोवाइड करा था, और ये देखिए इमॉर्टल को कर दिया जाएगा गेम से बाहर। जोनाथन ऑन फायर 5 finish निकाल चुके हैं टोटल, और ऑन फिनिश की बात करें 12 finish उनके द्वारा देखने को मिलते हुए, नियो भी यहाँ पर सेंसे की तरह, और देखिए शायद टीम एक्सो को लगा था कि एक ही डायरेक्शन से उनके ऊपर यहाँ पर प्रहार आएगा, उनके एक ही डायरेक्शन की तरह से यहाँ पर उनके ऊपर
डैमेज आएगा, बट जी नहीं, यहाँ पर फ्लैंकिंग भी जारी है और अभी के लिए एक और टीम को एलिमिनेशन करने के बाद यहाँ पर टीम गॉडलाइक बढ़ेगी अब 7C की तरफ। बिल्कुल, अब यहाँ से जर्नी की बात की जाए तो थोड़ी सी यहाँ पे आगे जाने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। देखते हैं उस जर्नी में कितना ज्यादा टाइम लेना चाहेंगे ये प्लेयर्स। वापस से बात करें तो अफगान यहाँ पे 7C स्प्रे गॉड थोड़े से अनलकी साबित हुए और मैच से बाहर कर दिया गया उन्हें। जस्ट थोड़ा सा उनका जो यहाँ पे बात की जाए तो मौका उन्होंने दिया, उसके बाद तो अलाउ किया नहीं गया कि आप अपने आप को। टॉप चार टीम्स गाइस आपके सामने हैं, कौन कौन सी वो चार टीम्स है एक बार जरूर मैं आपको जल्दी जल्दी बताया। तो टीम गॉडलाइक, टीम TSM, टीम ट्रियो रिपर्स और साथ साथ 7C के खिलाड़ी, जिसमें मुझे लग रहा है ट्रियो रिपर्स के लिए भी खतरा मंडराता और नजर आ रहा है। 17 फिनिशेस यहाँ पर अभी के लिए टीम गॉडलाइक के पास आ चुके हैं और अपने मेरे ख्याल से वो जो गोल है उसके बिल्कुल काफी करीब है, लेकिन वो चाहते हैं कि खिलाड़ी जो यहाँ पर एक्सप्लिसिट है वो फिनिश उनके काउंट में जाए, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो शायद वो प्ले जोन के खाते में जुड़ता नजर आएगा। लेकिन एक्सप्लिसिट वो अभी के लिए ही बैटल लेते हुए नजर आ रहे हैं और अगर बात की जाए उनकी तरफ से तो लास्ट फर्स्ट एड किट है, लेकिन क्या वो अपना फिनिश देंगे उनको, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कभी कभी टीम्स होती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी अपना फिनिश नहीं देना चाहती और लग भी रहा है जिस तरह से वो क्राउच कर रहे हैं और बहुत लेट हो चुके हैं, बैंडेज को अप्लाई कर रहे हैं और जी नहीं देंगे उनको यहाँ पर अपना फिनिश। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लीज जोन से बाहर होना ये इस लिहाज से भी देखा जाए, क्योंकि अभी और भी आप पॉइंट्स क्यों ही देना चाहोगे किसी भी टीम को, क्योंकि वीक्स अभी खत्म नहीं हुए, अभी जंग आगे आपका बचा हुआ है, उस जंग में जाने के लिए आप अननेसेसरी पॉइंट्स किसी को भी यहाँ पे देना नहीं चाहोगे। आपको लग गया कि यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है तो उन्होंने प्लीज जोन से ही बाहर होना अपने एंड से बेहतर समझा। टीम गॉडलाइक के चारों प्लेयर्स में से अब एक नुकसान हो चुका है जो कि नियो के रूप में फ्रंट साइड 7C के प्लेयर्स है, जो कि काफी अच्छा एक एंगल है। TSM के पास भी यहाँ पे बात करें तो तीन प्लेयर है, तो 3v3v2 सिचुएशन इस आखिर के कुछ मोमेंट में ग्रेनेड पेन आउट करके यहाँ पे थ्रो किया जाता है, लेकिन शायद वो कनेक्शन अभी ढूंढने में कामयाबी प्राप्त ना हो, लेकिन बैन करने की गलती लास्ट के कुछ मोमेंट में चौड़ा ने वापस से इस चीज का फायदा उठाया। समझ तक नहीं पाया कि वो शॉट्स आया तो आया कहां से, लेकिन अब जो समझने की बारी है वो अब जा चुके, क्योंकि अब यहाँ से स्लैमन जाता हुआ 7C के केवल एक प्लेयर प्रिंस के रूप में जो कि पीछे हटे हुए। TSM क्या यहाँ पे रुकेंगे या फिर थर्ड पार्टी उसी टाइम करना पसंद करेंगे, फिनिश ऑफ किया जाएगा, कोई मौका नहीं। अब प्रिंस की यहाँ पे बारी है, क्या प्रिंस यहाँ पे सिचुएशन को संभाल पाएंगे। देखिए फ्लैंक एंगल निकला हुआ है, एक एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे है और जॉनथन के पास जाएगा ये फिनिश, क्योंकि जो इनिशियल डैमेज था वो ऑलरेडी इनके सपोर्टर की तरफ से दिया जा चुका था। क्या सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे जॉनथन को आज के डे में, 9 फिनिशेस खुद के टीम के 19 फिनिश निकाले जा चुके, मान लो जो मैचेस अभी तक खराब हुए उसका गुस्सा निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ जाके ये फिनिशर निकाल रहे हैं। अब TSM जवाब देने की पूरे यहाँ पे बात करें स्ट्रेंथ है, कमाल का गंगे में TSM के पास हम नजरअंदाज नहीं करेंगे उनको, क्योंकि जब वो अपने एंड से फिनिशर निकालना स्टार्ट करते काफी अच्छा कंट्रोल रहता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज डिपेंड करेगा गेम, जो सर्कल का एडवांटेज अगर टीम गॉडलाइक के पास गया उनको रोकना मुश्किल साबित होगा। TSM के पास आया तो भी यहाँ पे वो भी इस चीज का फायदा उठा सकते, तो ये सर्कल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडर शिफ्ट रहेगा इन दोनों टीम्स के लिए। ये टीम का देखे काफी बार आमना सामना हो चुका है, लेकिन इस वीक 2 के मैच नंबर 6 में ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो TSM वर्सेस गॉडलाइक अभी के लिए देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के स्टेट्स की अगर बात की जाए तो गॉडलाइक कहीं ना कहीं अभी के लिए उनसे ऊपर नजर आए, यानी फाइट्स में ऊपर नजर आए, लेकिन TSM के पास एक बढ़िया मौका है यहाँ पर वापस से वो रिवेंज लेने का। देखिए उनको पता है कंपाउंड्स के बाहर उनको आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं टीम गॉडलाइक को भी पता है उनको भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, स्मोक पाथ क्रिएट करने पड़ेंगे, व्हीकल्स है तो जी हाँ क्लच गॉड ने उनको बुला लिया है, अब क्रिएट किए जाएंगे आर्टिफिशियल कवर्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन जॉनथन ने शायद यहाँ पर एक रिस्की मूव लेने का बिल्कुल बोल सकते हैं इरादा ठान लिया है। 25 मिनट उनको ट्रैवल करना है, फुल बूस्ट अपने आप को किया जा रहा है, उसके बाद अब कोई बूस्टर यहाँ पर उनके पास नहीं है, 3 फर्स्ट एड किट है स्लैमिंग डालने की कोशिश यहाँ पर, और जॉनथन की बात की जाए वो एक तरह से कवर फायर के लिए पीछे मौजूद थे लेकिन उनको भी अब आगे आने पे मजबूर कर दिया गया, मोलोटॉव फेंके जा रहे हैं, थ्रोबल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन किसके खाते में जाएगी जीत, लेकिन उसके लिए पहला नॉकआउट देखना जरूर चाहेंगे। बट अभी के लिए जो मुझे नजर आ रहा है शायद मेरे ख्याल से शायद टीम गॉडलाइक के पास थ्रोबल्स की थोड़ी सी कमी मुझे नजर आ रही है एज कम्पेयर टू टीम TSM। एग्जैक्टली TSM काफी टाइम से यहाँ पे होल्ड करके फिलहाल अपने आप को रखे हुए हैं, टीम गॉडलाइक यहाँ से फाइट करते हुए यहाँ तक पहुंचे तो इनके पास जो यूटिलिटीज है वो फिलहाल एग्जॉस्ट हो जाएंगे इस पॉइंट तक आते आते। तो अब यहाँ पे बात है कि देखिए सपोर्टर के रोल में जॉनथन फिलहाल यहाँ पे रुके हुए पीछे, वो भी धीरे धीरे सर्कल के अकॉर्डिंग आगे आते जाएंगे, क्योंकि जो सर्कल का संख्या वो उनको डैमेज काफी हाई देगा, तो उस पॉइंट पे वो अपने आप को होल्ड करके तो अननेसेसरी डैमेज अपने ऊपर लेना नहीं ही चाहेंगे, वेट कर रहे हैं इस पूरे पर्टिकुलर सिचुएशन में। सर्कल शिफ्ट के ऊपर काफी चीजें और यहाँ से फिलहाल डिपेंड करने वाली।
इंतजार चल रहे हैं यहाँ पर। और अगर इसी तरह का सर्कमस्टेंस रहे, सिचुएशन रही, तो मुझे लग रहा है कि हील बैटल की तरफ ही, मतलब कुछ खिलाड़ी को बाहर भेजा जाएगा। ये गाइस आप देख लीजिए, नवा सर्कल अभी के लिए श्रिंकिन होना स्टार्ट हुआ, कुछ समय का इंतजार है। और यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन भी यहाँ पर चले जा रहे हैं, मतलब उनको अगर देखा जाए कुछ इमोशंस यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिसके लिए जानी जाती है यहाँ पर टीम गॉड, लाइक जी गॉड तैयार है। और देखिये, जब कुछ ना हो तो थोड़ा बहुत तो टाइम पास यहाँ पर करना बनता है, बट थोड़ा संभल, क्योंकि अभी के लिए एक गलती यहाँ पर टीम के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आते हैं। एक्वानॉक्स अभी भी उस फर्स्ट फ्लोर से कोशिश हो रही, मोलोटॉव जो यहाँ पर था कि नहीं, जी नहीं, मोलोटॉव नहीं, प्लीज उनका शिकार बनते हुए नजर आ रही, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता, बिल्कुल सी गॉड की तरफ से M249। और ये बिल्कुल फ्री फायर जिस तरह से कर रहे थे, अब सारा दारोमदार अब जोनाथन के ऊपर है, एंड वो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर अभी के लिए जीत यहाँ पर टीम गॉड लाइक लेके चले हैं। फिनिशेस काउंट की तो बारी अगर बात की जाए, 21 फिनिश के साथ ये बिना बिना चिकन नहीं रानी, टोटल इन्होंने 36 पॉइंट यहां से हासिल करें।